हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज की सफलता का क्षेत्र क्या होगा, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, परिवार में संबंध अच्छे होंगे या खराब होंगे, पत्नी से कैसे रिश्ते होंगे, मित्रों से क्या संबंध होगा, माली हालत कैसी होगी, व्यापार क्या करेंगे, आज नए तरह के क्या कार्य करने वाले हैं, किस फील्ड में आज आपका विकास होगा, आज आपके रोग और शत्रु के क्या हाल रहेंगे और किस फील्ड में आप काम करेंगे आपकी प्रगति होगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपके रोग और शत्रु कैसे रहेंगे ये सब भी बताएंगे, सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या बरतना है ये भी बताएंगे, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये सारी बातें आज हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि लगता है कि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान इन बॉक्स में लिख करके भेजें और अपना प्रश्न लेकर के भेजें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए चतुर्दिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपकी माली हालत अच्छी होगी, कोई भी कार्य करते हैं प्लान करके करते हैं आज उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आप काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे, अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहेगा, आपका जो बाह्य व्यक्तित्व तो वही आंतरिक व्यक्तित्व तो रहेगा, दिखावापन नहीं रहेगा, संवेदना इमोशंस पर नियंत्रण रखें, जो लोग आपकी इमोशंस की कद्र न करें उनको अपना इमोशंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लेखन कार्य से, साहित्य से, पुस्तक से और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करने का योग बनना आपका करियर बन सकता है। आज आप अपने मौलिकता से, कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे, हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी हेल्थ को लेकर के आपको चिंता है तो उसकी चिंता समाप्त होते हुए दिख रहा है। नए प्रकार के कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपका कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है या आप खुद विदेश जाना चाहते हैं या कोई नए तरह का कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन में जितने कार्य हैं सारे कार्य होते हुए दिख रहे हैं और रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता का सुख मिलेगा, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आज का दिन आपको निराशाजनक हो सकता है और जो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, करियर हेतु विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनकी योजनाएं सफल होंगी, उनको नौकरी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, घर परिवार में शुभ कार्य हो सकता है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, जो वाणी आपको खराब लगता है, प्रिय लगता है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। खान पान पर नियंत्रण रखें और बच्चों की प्रगति को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, उनका सहयोग करें। और नए तरह का अगर आपको कोई इंट्यूशन होता है तो इंट्यूशन की बात माने, इंद्रिय ज्ञान की बात माने, किसी के बहकावे में आके कोई कार्य न करें क्योंकि लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो उस पर भी आज आपको बचने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर कोई कार्य नहीं करना, जो आपका इनर सेंस का है, अंतरात्मा की आवाज पर कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नीले वस्तु का दान करें, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको वस्त्र है, कपड़ा है, अगर पढ़ाई के लिए किताब है तो जरूर पुस्तक वगैरह डोनेट करें, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है नीला। हरे कृष्ण।